CBSE online classes, and today I will teach you subject computer, class 7, chapter 6, software at a glance. Dear students, chapter 6 में आप पढ़ेंगे software at a glance, software एक दृष्टि में. Okay student, तो सबसे पहले आप जानिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानिए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है. डियर फ्रेंड, ये जो दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, अपने हर एक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो दुनिया है ये टेक्नोलॉजी का है. ठीक है, जो दुनिया है क्या है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है. ठीक है, जहाँ हर लोग, ठीक है, जहाँ पे हर लोग अपने कार्य को आसान करने के लिए, ठीक है, अपने कार्य को आसान करने के लिए, ताकि उनका जो कार्य है वो क्या हो, आसानी से हो जाए. ठीक, तो अपने कार्य को करने के लिए इस दुनिया में लोग आज के युग में कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करते हैं. ठीक है, किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करते हैं, ताकि वे अपने कार्य को क्या कर सके, आसानी से कर सके. और कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा भी जो कार्य है वो भी आसानी से हो जा रहे हैं. तो क्या आपको पता है, जो कंप्यूटर और मोबाइल का जिस कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है, उनसे जो हमारे कार्य हो आसान होते जा रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि ये कैसे होता है कि कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा हमारे कार्य आसान हो जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे होता है. तो डियर स्टूडेंट, जो कंप्यूटर और मोबाइल का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है, मोबाइल और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के मौजूद होने से ही हम किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं. इसका योगदान जो है किसको जाता है, सॉफ्टवेयर को जाता है. अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो जो हमारा मोबाइल है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो किसी कार्य का नहीं होता. इसलिए किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट, अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं. तो सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम. इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है. ठीक है, या ऐसे भी कहते हैं, कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम के सेट को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर प्रोग्रामों के सेट को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम का कलेक्शन होता है. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जो कि एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है. क्या करता है, कंप्लीट करता है. वंस अगेन, सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जो एक पार्टिकुलर टास्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है. जैसे कि सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एमएस
वर्ड, ठीक है। आप लोगों ने एमएस वर्ड का नाम सुना होगा। एमएस वर्ड क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर होता है। एंड एक चीज और कि सॉफ्टवेयर जो होता है, आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको टच नहीं करते हैं, कर सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, या एक सिग्नल है, ठीक है। प्रोग्राम जो है यह एक क्या है, सिग्नल है, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, वीएलसी, ठीक है, वीएलसी, गूगल, ठीक है, क्रोम, ओके स्टूडेंट। तो सॉफ्टवेयर जो है कई तरह के होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, फोटोशॉप, वीएलसी, गूगल क्रोम, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरह से दो सॉफ्टवेयर ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड है, जैसे कि जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अगर आप इस एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ठीक है, अगर आप एमएस वर्ड प्रोग्राम को क्या करते हैं, एमएस वर्ड प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का समूह है, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम। तो अगर आप एमएस वर्ड में कार्य करते हैं, ठीक है, तो एमएस वर्ड में जो है आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि लिख सकते हैं, ना कि वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कई तरह के होंगे, जैसे मैंने यहाँ कई तरह के सॉफ्टवेयर लिखा है, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, वीएलसी, गूगल क्रोम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ दो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, एक एमएस वर्ड और एक वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में भी उपस्थित होता है। तो अगर हम यहाँ दो प्रकार के अगर सॉफ्टवेयर लेते हैं, एमएस वर्ड और वीएलसी, तो जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में इस प्रोग्राम में अब आप जब कोई कार्य करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम या फिर आप, इसमें हम राइटिंग कर सकते हैं, ना कि वीडियो देख सकते हैं। और यहीं पे जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है, सॉरी इसको मीडिया प्लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गाना चालू कर सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, ना कि राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन, यहां पे मैंने दो सॉफ्टवेयर लिया, एमएस वर्ड और वीएलसी। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया जाए तो सभी एक ही में आएंगे। तो एमएस वर्ड, वीएलसी, एमएस वर्ड में हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें वीडियो नहीं देख सकते, गाना नहीं सुन सकते, लेकिन वही वीएलसी में आप लिख नहीं सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, गाना चालू कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वह पार्ट, ठीक है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू नहीं सकते, उसे ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है होता है, या फिर यह भी बोल सकते हैं कि यह एक तरह का क्या है, सिग्नल है। सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, या फिर हम इसे एक सिग्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है एमएस वर्ड, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, एमएस एक्सेल, वर्ड सॉरी वर्ड पैड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सभी जो है, मतलब जिन जिन प्रोग्रामों में आप कार्य करते हैं वो सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप अपने मोबाइल में
जितने भी ऐप का प्रयोग करते हैं, ऐप मीन्स एप्लीकेशन, आप जितने भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओके स्टूडेंट, अगर ये सॉफ्टवेयर जैसे कि आप एज एग्जांपल ले लिया जाता है कि आप जैसे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडी आप किसके द्वारा कर रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा करते हैं। तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जिसमें जिस वो यूट्यूब, ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होते तो आपका जो मोबाइल है, जो आपका कंप्यूटर है, वो किसी काम का नहीं है। तो मोबाइल और कंप्यूटर का जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से कायम है, सॉफ्टवेयर की वजह से कायम है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सॉफ्टवेयर क्या है अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, अब है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो कई प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट, थर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर,